हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जिग जैग वाली जाली का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सेंटर में से एक नीडल आगे कर लिया है, उसको साइड में ट्रांसफ़र कर लिया है, खाली कर लिया। अब बीच में मुझे 11-11 नीडल का गैप लेना है, तो उसके लिए मैं ये डिवाइडर ले लेती हूँ 5-5 नीडल का, इस तरह से। और इसमें जो नीडल हमने आगे की है एक, उसके बीच से एक नीडल हटा लेंगे, तो इस तरह से वो बीच में 11 नीडल का गैप हो जाएगा। और जो नीडल हमारी आगे रह गई है उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। तो ये 11 नीडल है, जो नीडल खाली की है उनको हम आगे करके दो सिलाइयां लगा लेंगे, 1 2। अब ये जो हमारी जाली है इसके साइड, दोनों साइड से हम एक एक जाली डालेंगे, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। इसी तरह से जितनी भी जाली हमने बनाई है उन सब में हम एक एक जाली, इस तरह से जो जाली बनाई है उसके दोनों साइड हम एक एक जाली बना लेंगे। इस तरह से अब जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और दो सिलाइयां लगा लेंगे, 1 2। अब फिर से हम ये जो हमारी जाली, और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको किसी को निटिंग मशीन, वूल बाइंडर, वूल ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से जो जाली बनाई है उसके साइड, दोनों साइडों में एक एक जाली और बना लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है जो जाली बनाई हुई, पहले हमारे बीच में हमने सेंटर में जाली बनाई थी, फिर उसके बाद बीच में एक नीडल थी, अब हमारे बीच में 3 नीडल है और उसके दोनों साइड हम जाली बना रहे हैं इस तरह से। और जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और दो सिलाइयां लगाएंगे। यहाँ पे फिर से हम यही करेंगे, ये हमारी जाली, जाली के साइड में एक और जाली बना लेंगे। यहाँ पे जाली वाला जो फंदा है उसके साइड में हमें जाली बनानी है। और बीच में हम ये ध्यान रख सकते हैं, पहले हमारे जैसे एक नीडल थी, फिर 3 फिर 5 7, तो इस तरह से वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, बीच वाली नीडल और साइड वाली जो है, जो 11 थी वो कम होती जाएगी। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से सीख सकते हो, दूसरा चैनल है मेरा वो। इस तरह से अब हमारे यहाँ पे जो लास्ट में वो 3 नीडल बची है, तो हम इसमें एक चेंज करेंगे। अभी हमें बीच में भी एक डिज़ाइन चाहिए, तो उसके लिए जब हमारी लास्ट में 3 नीडल बचेगी, जो हमारा चिकचा का पैटर्न है वो कंप्लीट होने वाला है, बीच में हमारे 7 नीडल है, तो 7 नीडल के बीच में हम 3-3 नीडल दोनों साइड को छोड़ेंगे और जो बीच वाली नीडल है उसको खाली कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी, और 3-3 नीडल का गैप दोनों साइड में रह जाएगा। अब जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और दो सिलाइयां लगा लेंगे, 1 2। अब लास्ट में जो है यहाँ पे हमारी एक नीडल बचेगी इस तरह से, और जो बीच में है एक जाली जो बनाई है उसके हम दोनों साइड एक एक जाली और बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी बीच में जाली बनाई है, इसके दोनों साइड जो जाली वाला फंदा उसको छोड़ के दोनों साइड से हम एक एक नीडल जो है वो खाली कर लेंगे, उससे दो जाली जो है वो हमारी बन जाएगी। यहाँ पर भी हम 1 एंड 2। अब जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे इस तरह से और दो प्लेन सिलाइयां लगाएंगे, 1 2।
अब हमें एक एक जाली बनानी है, एक जो हमारा जिग जैग का पैटर्न है वहाँ पे और एक जो सेंटर में हम डिज़ाइन बना। तो इसके लिए मैं ये वाला ट्रांसफर टूल यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरी दो जाली जो है वो एक साथ बन जाएगी, क्योंकि इसमें 7 नीडल का है ये, तो मैंने जो बीच वाली 5 नीडल है उनको पीछे कर लिया है। तो इस तरह से इसमें मेरी दो जाली एक साथ बन जा रही है, एक तो बीच में जो हम जाली बना रहे हैं उसकी, और दूसरा जो जिग जैग का पैटर्न बन रहा है उसकी लास्ट जाली वो वाले। अब जो खाली निडल है उनको हम आगे कर लेंगे इस तरह से, और दो सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 एंड 2। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा सा प्लेन बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इस तरह का ये हमारा डिज़ाइन आया है। थैंक यू।